आपका आवाज नहीं आ रहा सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आ रही है आवाज बच्चे? हाँ हाँ सर अभी आ रही है। सर हाँ सर आप आ रहे हैं। दर्द मसल को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टेटिक। ओके, अब है क्या पहले ये समझने की कोशिश करो। सपोज कर लो आप जो है ना एक बीकर में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लेते या प्योर वाटर ले लेते, याद रखना कि ये जो टर्म है अभी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ प्रैक्टिस पढ़ाने में वैसे भी केमिस्ट्री की चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप लोगों को भी हर एक सब्जेक्ट में अलग से पढ़ने की आदत पड़ गई है। फिर क्या होता है पता नहीं, ऐसे मैं बोल दूं कि एक बीकर रखा हुआ है, ये जैसे कुछ कलर टेस्ट ट्यूब है, इसमें सोल्यूशन भर दिया मैं, अब बताओ कैसे करो, पता नहीं सोल्यूशन आएगा, बोलो ना उस तरह से, दिस इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ये है विद रिस्पेक्ट टू सेल, यहाँ पे आपने क्या रखा कि ये सेल रखी है, बाहर से सेल की सेल मेम्ब्रेन तो सॉरी सेल वॉल दिख रही है, इसके अंदर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए चाहिए क्योंकि सर आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है। उसे क्या करूं बताओ, आप लोग कहाँ पे हो, घर पे हो या? हाँ सर घर में। मेरे बस का जितना है मैं कर रहा हूँ, सर मुझे तो इसका वैल्यू भी है और मैं धीमे भी नहीं बोल रहा हूँ, ये भी कुछ नहीं कर सकता बच्चे, सभी यहाँ पे दिख नहीं रहे, आएंगे तो बता दें, अभी कंसंट्रेट करो जितना आवाज है। ईयरफोन नहीं यूज कर रहे आप? हाँ सर ईयरफोन में ही है फुल वॉल्यूम में, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है। इस सिस्टम से मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये वही आगे बता सकते हैं, वही कर सकते हैं, ठीक है कि ऐसा कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं इस तरह से वेट करता रहूंगा जैसे मैं 10-7 साल तक नहीं होगा, तो समझने की कोशिश करो बच्चे, जो भी आवाज आ रही है मेरे पास कोई ऑप्शन और नहीं नजर आ रहा मुझे। ओके सर मेरा भी प्रॉब्लम हो सकता है, रीजॉइन करता हूँ। एक मिनट बच्चे, और किसी को आवाज नहीं आ रही है क्या? सर अभी ठीक आ रहा है। अभी ठीक आ रहा है वैसे? हाँ सर। एक चीज
में वो हिलता होगा ना तो फिर आवाज कम ज्यादा होगा, स्वीप करेगा। अब आ रही है आवाज बच्चे अभी, वो तो उतनी ही डिस्टेंस है। हेलो, हाँ सर, अब ठीक है? हाँ सर ठीक है। मैं क्या कह रहा था कि ये जो है ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये क्या है, सेल वॉल। ओके, ये सल्यूशन कौन सा भरा है इसमें? हाइपोटोनिक सल्यूशन भरा है। तो हाइपोटोनिक सल्यूशन है इसका मतलब कि ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट आप देखो, पानी जो है अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर दे, ठीक है, अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का जो H2O है वो क्या करेगा, वो अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। तो अंदर की तरफ जब जाएगा तो इसका साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा, दैट मींस कि साइटोप्लाज्म बोलो प्रोटोप्लाज्म बोलो इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, जो सेल वॉल है उस पर एक प्रेशर एग्जर्ट करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, प्रेशर एग्जर्ट करना स्टार्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो ये यहाँ पिक्चर में दिख रहा है इतना डिस्टेंस, एक्चुअली इतना डिस्टेंस नहीं होता, वो तो उसके साथ लगी हुई है, ठीक है। तो जैसे जैसे इसमें पानी वो बढ़ेगा, ये पूरा का पूरा जो है सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक होगी, इंक्रीज करेगी वॉल्यूम, ठीक है। और वो क्या करेगी, ये जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा इसकी वजह से प्रेशर लगेगा किस पे, सेल वॉल पे प्रेशर लगेगा, इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये जो टर्गर प्रेशर है इट इज बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ वॉटर, ये किसकी वजह से है, क्योंकि वाटर एंट्री ले रहा है उसकी वजह से वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। नहीं, हाइपरटोनिक में तो वो वाटर बाहर निकलेगा ना, हाइपरटोनिक की कंडीशन अलग। तो जब भी आपसे कोई बोलता है कि सेल के रिस्पेक्ट में कि सेल फुल्ली टर्जिड, मतलब कहने का क्या है, फुल्ली टर्जिड है, लिखना नहीं है चीज, लिखना स्टार्ट कर देते, समझा रहा हूँ। सेल फुल्ली टर्जिड का मतलब है कि अब उसमें और अधिक वाटर नहीं जा सकता, ठीक है, वो अपनी मैक्सिमम वाटर उसमें एंट्री ले चुका है, ठीक है। तो फुल्ली टर्जिड का मतलब ये है, पार्शियली टर्जिड का मतलब है कि अभी जा सकता है, ठीक है। तो टर्जिडिटी किसके रिस्पेक्ट में है, कि कितना वाटर इंटेक हुआ है, ठीक है, सेल के अंदर कितना वाटर। तो यहां पे लिख दो टर्गर प्रेशर को, व्हेनेवर अ प्लांट सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन प्रोटोप्लाज्म एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन सेल वॉल ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर इन प्रोटोप्लाज्म नोन एज टर्गर प्रेशर। ये जो प्रेशर है इसको क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक, किसकी वजह से, वाटर की वजह से, तो क्या बोला जा रहा है, हाइड्रोस्टेटिक। अब ये
टर्गर प्रेशर को एसएचएमसीईआरटी में या तो टर्जिडिटी के नाम से बोला हुआ है, ठीक है, या जो है क्या कहते हैं इसको, जब मैं अभी वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो वाटर पोटेंशियल में दो चीजें कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करती हैं, एक है प्रेशर पोटेंशियल और दूसरा है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। जो प्रेशर पोटेंशियल है बेसिकली वो क्या है, टर्गर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल जो है वो क्या है, टर्गर प्रेशर। एक और चीज याद रखना कि अभी मैं एक टर्म आपको बताऊंगा, रूट प्रेशर, रूट प्रेशर। तो जो रूट प्रेशर है इट इज बिकॉज ऑफ द टर्गर, ठीक है, क्यों अचीव होता है, टर्गर प्रेशर की वजह से अचीव होता है। अब एक और चीज देखो बच्चे, अपना बात बंद करो, सिर्फ कंसंट्रेट करो पढ़ने में। एक तो लेट आते हैं, उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है सिलेबस खत्म करने के लिए। तो ये सेल वॉल है। अब मेरे से फिजिक्स ज्यादा अच्छे से आपको पता है, न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप किसी चीज पे जो है रिएक्शन करते हो, एक्शन करते हो, तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आता है। तो सेम चीज यहाँ पे, यहाँ पे अगर यहाँ से सेल मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्म इस सेल वॉल पे प्रेशर लगा रही हो तो सेल वॉल भी उतना ही प्रेशर लगाएगी, ठीक है। तो वो जो प्रेशर सेल वॉल लगा रही है, जो प्रेशर सेल वॉल लगा रही है, दैट प्रेशर इज नोन एज वॉल प्रेशर। तो आप लिख दो, सेल वॉल ऑल्सो एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर, एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर ऑन प्रोटोप्लाज्म। नोन एज वॉल प्रेशर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इक्वल, टारगेट प्रेशर के बराबर। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। अब एक और चीज देखो, अभी भी मैंने क्या बोला था कि जो टर्गर प्रेशर है इट इज बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ वाटर। किसकी वजह से है, एंट्री ऑफ वाटर की वजह से। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को ध्यान दो, जब अभी अभी आपने कुछ पिछले लेक्चर में जब आपने पढ़ा है किसके बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर में आप, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आपने क्या पढ़ा, ये किसकी वजह से, सॉल्यूशन में वाटर जाता है इसकी वजह से, उसको स्टॉप करने के लिए, जो सरफेस ऑफ सॉल्यूशन से वाटर की एंट्री को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर लगता है, दैट प्रेशर इज नोन एज, ये जो है क्या कहते हैं, या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, स्टॉप करता है, स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और ये क्या है, ये ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर। तो अगर इस सेल के रिस्पेक्ट में मैं बोलूं, इस सेल के रिस्पेक्ट में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। बात समझ में आ रही है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अपोजिट होंगे। ये इस चीज के लिए अभी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा बस सुन लो, दिमाग मत लगाना कि एक टर्म बताऊंगा मैं, साई डब्ल्यू, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इक्वल होता है साई एस प्लस साई पी के, जिसमें से साई पी आपका क्या है, टर्गर प्रेशर, और जो साई एस है ये इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। आप इनडायरेक्टली इसको बोल सकते हो कि दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, इनडायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है।
साईएस, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो साईएस है ये ऑलवेज इसकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। ठीक है, साई पी की ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव होती है, वो मैं समझा दूंगा अभी जब वो बात आएगी। बस ये आप ये याद रखना, ये जो टर्गर प्रेशर है और जो ऑस्मोटिक प्रेशर, इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। यहां से भी आप समझ सकते हो कि वाटर की एंट्री इधर से हो रही है। ठीक है, वाटर की एंट्री क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो क्या कहते हैं, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वो हाइपरटोनिक है। ठीक है, तो इसकी वजह से वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, पर जो आपका टर्गर प्रेशर है, जब इसकी जिस जो ये एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा तो ये वॉल की तरफ एक प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो एक स्टॉप करना चाह रहा है, दूसरा दूसरा जो है, दूसरा जो फोर्स है वो किसकी वजह से है, वाटर की एंट्री की वजह से। जितना वाटर एंट्री होगी उतना ज्यादा वो फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, टर्गर प्रेशर उतना ही बढ़ेगा जितना ज्यादा क्या होगा, वाटर की एंट्री होगी। तो टर्गर प्रेशर को ध्यान में रखना। एक दो तीन चीजें और बता देता हूँ, चार टाइप की सेल आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, आप पॉइंट आउट करो इनको। इस चैप्टर में हम कहीं कहीं पे फोर टाइप्स की सेल्स की बात करेंगे। एक अभी अभी मैंने आपको क्या नाम दिया, फुल्ली टर्जिड सेल। दूसरा पार्शियल पार्शियली टारगेट। टर्जिड टर्जिड सेल। तीसरा फ्लैसिड फ्लैसिड सेल। और फोर्थ वन प्लाज्मोलाइज्ड प्लाज्मोलाइज्ड। है, तो जो फुल्ली टर्जिड सेल है, ध्यान दो, उसमें जो टर्गर प्रेशर है, टर्गर प्रेशर को बच्चे टीपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को ओपी से रिप्रेजेंट करते हैं। लिख लो जाके ऑस्मोटिक प्रेशर पे, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करोगे, ओपी से, क्योंकि तो मैं बार बार पूरा नहीं लिख पाऊंगा। तो टर्गर प्रेशर इक्वल होता है, एक तो पहले लिख दो कि टर्गर प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम, और ये किसके बराबर होगा, हाँ सिंपल सी बात है, जब टर्गर सेल जो फुल्ली टर्जिड हो जाएगी तो वाटर की एंट्री क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो टीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओपी। पार्शियली टर्जिड सेल पे इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्यों, क्योंकि ये अभी जो इसका टर्गर प्रेशर है वो मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, याद रखना टर्गर प्रेशर बच्चे एक पॉजिटिव वैल्यू, टर्गर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं, पर ये ऑलवेज ज्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉजिटिव क्यों लिखाया, क्योंकि प्लांट में एक केस आप देखोगे जब टर्गर प्रेशर क्या होगा, कहाँ पे टर्गर प्रेशर है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा। ठीक है, वहां पे भी तो एक फोर्स लग रहा है, उसी की वजह से वो जो सक्शन प्रेशर है वो बेसिकली क्या है, वो निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, वो सक्शन प्रेशर से ही तो वाटर जो है लॉस हो रहा होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज अभी इसको, ये अभी मैक्सिमम पे नहीं पहुंचा, इसको छोड़ दो। फ्लैसिड सेल के केस में टर्गर प्रेशर बच्चे कितना होगा, और प्लाज्मोलाइज केस के केस में जो टर्गर प्रेशर होगा वो क्या होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सारी चीजें मुझे बतानी नहीं चाहिए, पर फिर भी बता देता हूँ जल्दी जल्दी। एक टर्म है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, नाम से ही पता चल रहा है कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या है,
इट इज द डेफिशिएंसी इन डिफ्यूजन प्रेशर। डीपीडी चार्ट में ये कुछ नहीं है, समझने की कोशिश करो कि सपोज कर लो ये यहाँ पे मैंने दो बीकर ले लिए, एक बीकर ये है दूसरा बीकर, एक में मैंने क्या रख रखा है प्योर वाटर और दूसरे में मैंने क्या रखा हुआ है सल्यूशन, कोई भी सल्यूशन। अब यहाँ पे हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो अलग अलग बीकर है, ठीक है। दूसरा एक तरफ प्योर वाटर है तो अंडरस्टूड हो जाता है, प्योर वाटर में जो सल्यूट है वो नल जीरो, ठीक है। तो याद करो मैंने डिफ्यूजन प्रेशर के बारे में क्या बोला था, आप अपनी एनसीईआरटी पिक करोगे तो एक डेफिनेशन वहां पे लिखी हुई है, पर वो डिफ्यूजन प्रेशर जहां पे एक्सप्लेन किया वहां पे लिखी, वो कहीं और, ठीक है। अभी कोशिश करो कि प्योर वाटर की बात करो, प्योर वाटर में जो क्या कहते हैं पी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या है मैक्सिमम, ये क्या है सारे के सारे थ्री हैं प्योर वाटर है क्योंकि कोई सल्यूट है ही नहीं, ठीक है। तो पी वाटर का मतलब क्या, पी मॉलिक्यूल का मतलब क्या, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें रैंडम मोशन हो रहा है, ऐसा मॉलिक्यूल, यही चीज सारी चीजें तो मैंने डिफ्यूजन प्रेशर में समझाई थी आपको डिफ्यूजन के टाइम पे, कि जो है डिफ्यूजन कोई भी लिक्विड है या गैस का कोई भी मॉलिक्यूल है फ्री मॉलिक्यूल उसमें रैंडम मोशन हो रहा है। तो रैंडम मोशन होने का मतलब उसमें उतनी उसकी क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब है कि उसमें अपना हाफ एमवी स्क्वायर है, दैट मींस कि क्या है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जहां पे जितना जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी जिस जगह पे वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन या अपनी हायर काइनेटिक एनर्जी से लोअर काइनेटिक एनर्जी की तरफ जो भी पार्टिकल्स है जो भी मॉलिक्यूल्स है एटम है आयन है वो क्या करेगा मूव करेगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन भी तो वही है, ठीक है। डिफ्यूजन मैंने क्या लिखाया था डिफ्यूजन की डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, और वो जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से है, इट इज बिकॉज ऑफ द मुझे लग रहा है सर तो क्या बता रहा था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर, तो वहां पे जब हमने डिफ्यूजन आपको समझाया था तो ज्यादा फोकस हमारा कहाँ पे था कंसंट्रेशन पे। NCERT में आप जब वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे तो वहां पे एक जगह लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ कि मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल डाउन द ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी, मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल डाउन द ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी इज नोन एज डिफ्यूजन। ये NCERT में वाटर पोटेंशियल जहां पे समझाया वहां पे डिफ्यूजन की डेफिनेशन ली, तो आप उस डेफिनेशन को भी ध्यान में रखें, लगा वो लाइन लिख के आ गई और तुमने सोचा कि ये तो है ही नहीं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले पूरा ही समझा दिया है कि कोई भी प्री मॉलिक्यूल, कोई भी प्री मॉलिक्यूल, लेट्स से ये है आपका प्री मॉलिक्यूल, इसमें अपना क्या है इसका रैंडम मोशन, ठीक है। रैंडम मोशन होगा तभी आप उसको क्या बोलोगे कि मॉलिक्यूल क्या है फ्री, अगर रैंडम मोशन नहीं है तो मॉलिक्यूल फ्री नहीं। तो अगर रैंडम मोशन है दैट मींस की उसका उसमें जो है क्या कहते हैं वेलोसिटी है तभी वो रैंडम मोशन कर रहा है, और वेलोसिटी है दैट मींस की उसकी अपनी क्या है वहां पे काइनेटिक एनर्जी। और बच्चे एक चीज और बताऊं, लिक्विड एंड गैस के केस में जो उसकी फ्री एनर्जी है वो एक्चुअली क्या है वो काइनेटिक। लिक्विड एंड गैस के केस में आइडियली अगर बात करो स्पेशली गैस की बात करो आइडियली वहां पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं, आइडियल गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, मतलब उसकी जो भी फ्री एनर्जी है किस फॉर्म में है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ
यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, ये हाफ एम स्क्वायर है, इसका मतलब इसका अपना काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये अपना इसका फ्री एनर्जी। अब इसके बाद मैंने आपको बोला था कि सपोज कर लो कि प्योर वाटर है, प्योर वाटर है इसका मतलब बहुत सारे जो भी मॉलिक्यूल वाटर के हैं, जो भी मॉलिक्यूल वाटर के हैं, ठीक है, उनकी अपनी सारी सबकी अपनी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि जितना ज्यादा फ्री मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा फ्री मॉलिक्यूल उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। अब ये वाटर ही नहीं है, कोई भी आप ले लो, क्योंकि डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, वाटर ही नहीं कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, तो जितना ज्यादा फ्री मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। और वो मॉलिक्यूल अपनी हायर काइनेटिक एनर्जी से अपनी लोअर काइनेटिक एनर्जी पर मूव करेगा, यही तो डिफ्यूजन। उसी को जब स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन में देखा तो हमने काइनेटिक एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्या कर दिया, साइड में कर दिया, और हमने किस पे फोकस किया, कंसंट्रेशन, ठीक है, कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतने ज्यादा फ्री मॉलिक्यूल उतनी ज्यादा काइनेटिक, ये तो है ना। और जितना ज्यादा कंसंट्रेशन, मतलब जो कंसंट्रेशन जिधर ज्यादा है वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा, ये सिनारियो है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ फिर, ठीक है, कि यहाँ पे प्योर वाटर है, फ्री मॉलिक्यूल जो है वाटर का अधिक है, सॉल्यूशन में जो फ्री वाटर का मॉलिक्यूल, फ्री वाटर मॉलिक्यूल जिसमें कि रैंडम मोशन हो रहा है, वो क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस जो प्योर वाटर का जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बच्चे, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो, जैसे तक काइनेटिक एनर्जी, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतनी ज्यादा डिफ्यूजन, उतना ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर, बात समझ में आ रहा है। तो प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, ज्यादा, ठीक है। और ये जो है क्या कहते हैं, सोल्यूशन है, यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल जिसका रैंडम मोशन हो रहा है वो क्या हो गया है, कम हो गया। दैट मींस कि इसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो गया बच्चे, कम हो गया, लेस हो गया। लेस, ठीक है। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट वो ऑलवेज कहाँ पे वर्क करेगा, एक सिस्टम पे वर्क करेगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट एक सिस्टम पे वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे मैं एक आपका सिस्टम बना दू, यहाँ पे आप एक सेल रख दो, ये आपका सोल्यूशन है, ये आपका सोल्यूशन, तो यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट काम करेगा, ठीक है। ये टर्म ऑलवेज कहाँ अप्लीकेबल होगा, सिस्टम के लिए अप्लीकेबल होगा, बिना सिस्टम के डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। इसको भी आप कर सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या लगा दो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दो, ये सिस्टम बन जाएगा, और इसका भी अपना डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है। तो जितना जो है सोल्यूशन के, प्योर वाटर के रिस्पेक्ट में सोल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर जितना कम हुआ, ठीक है, या आप ये बोल सकते हो कि सल्यूट के डालने की वजह से वाटर के डिफ्यूजन प्रेशर में जो कमी आई, दैट कमी इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर, नाम से ही, उसके नाम से ही पता चल रहा है, डेफिसिट मतलब कमी और डिफ्यूजन प्रेशर, किसमें कमी हुई है, डिफ्यूजन प्रेशर में, तो इसकी वजह से सल्यूट ऐड करने की वजह से, ठीक है, सल्यूट ऐड करने की वजह से जो उसके डिफ्यूजन प्रेशर पे कमी आ रही है, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। बात समझ आ गई, नहीं कॉपी करना, ऊपर वाले की भी जरूरत है, डिफिनेशन लिखना, डिफिनेशन बड़ी इजी में लिखा रहा, द डिफरेंस इन डिफ्यूजन प्रेशर, द डिफरेंस इन डिफ्यूजन प्रेशर बिटवीन प्योर वाटर एंड इट्स सोल्यूशन नोन एज डीपीटी, लिख देते हैं यार, क्यों इतना बड़ा लिखूंगा मैं,
से। अच्छा इसका एक फार्मूला है बेसिकली, मुझे इसको बहुत ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी में नहीं है और ये एग्जाम में भी नहीं आएगा, पर मुझे अभी रिलेट करना है चीजों से। किसके साथ में? वाटर पोटेंशियल। देखो यहाँ पे मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ कि जो डिफ्यूजन प्रेशर है उसको हमने मेनली किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा है? कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट। वाटर पोटेंशियल जो है वो फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट है यही चीज, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? मतलब उस चीज को हम पढ़ेंगे फ्री एनर्जी के रिस्पेक्ट। तो ये कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म और फ्री एनर्जी वाले टर्म, उनको हम क्या करेंगे? रिलेट। समझ आ रही बात? तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ये फार्मूला है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। अब वो जो चार स्केल मैंने लिखाई उसको देखो, फुल्ली टर्जी, फुल्ली टर्जी सेल के लिए आप कैलकुलेट करो क्या? टीपीडी ओपी माइनस टीपी। मैंने क्या बताया था कि टीपी किस, टीपी मैक्सिमम है और वो किसके मैक्सिमम है, किसके इक्वल है? ओपी के। तो जैसे ही यहाँ पे आप इसको रिप्लेस करके ओपी रखोगे ये हो जाएगा जीरो, तो पर फुल्ली टर्जेड सेल डीपीटी विल बी जीरो। पीपीडी ध्यान में रखना, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट एक फुल्ली टर्बिनल सेल के लिए क्या होगा? ऑलवेज जीरो। मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर। अब इसको आप फुल्ली टर्बिनल सेल को किसी भी सोल्यूशन पे प्लेस कर दो, वाटर पे प्लेस कर दो, किसी भी चीज पे प्लेस कर दो, मतलब हाइपोटोनिक जहां पे वाटर ज्यादा हो, ठीक है? हाइपरटोनिक में रख दोगे तो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पे देर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर। फटाफट लिख डालो बाकी को। आपके पास कौन कौन से सर? देखो पार्सलिटी के लिए सीधे सीधे लिख दो, ओपी माइनस टीपी होगा वहां पे, ठीक है? ओपी माइनस टीपी होगा वहां पे। इसके बाद फिर तीसरी सेल होगी आपके पास फ्लैसिड सेल, फ्लैसिड सेल के लिए टीपी जीरो, दैट मींस कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड फोर्थ है प्लाज्मोलाइट सेल, तो वहां पे क्या है? टीपी नेगेटिव है, दैट मींस कि ओपी प्लस टीपी खत्म। दूसरा सेल कौन सा बोला था मैंने? पार्शियल एटर्जेट वाला। मेरे चेहरे की तरफ देख रहे हैं कि लिख दो, नहीं हमारे समझ में आ रहा, मुझे स्पष्ट समझ में आ रहा है। टीपी क्या है? जीरो है, दैट मींस कि किसके बराबर हो जाएगा? फ्लैसिड सेल प्लाज्मा। टीपी प्लस हो टीपी जाएगा। ओके माइनस टीपी, जहां पे टीपी क्या है? नेगेटिव है, ये हो जाएगा ओपी माइनस माइनस टीपी, और ये हो जाएगा ओपी प्लस डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ये डीपीटी का आप एक रेफरेंस ऑर्डर बना दो, क्या करोगे? सबसे ज्यादा डीपीटी किसका होगा? प्लाज्मोलाइट सेल में। लिखो रेफरेंस ऑर्डर, रेफरेंस ऑर्डर आपका होगा प्लाज्मोलाइट सेल, देन आपका हो जाएगा फ्लैसिड, देन आपका हो जाएगा पार्सली पार्सली टर्जिट से, देन आपका हो जाएगा क्या? जैसे फुल्ली टर्जिड लिखो, फुल्ली
लेटर। ये आपका हो गया डिसीजन प्रोसेस। बच्चे आप लोग 5 मिनट एंजॉय करो, चाय पी कर। तो पहले मैं तुमको एक होमवर्क देता हूँ, वाटर का मूवमेंट होमवर्क कर रहा हूँ क्लास पर। वाटर का मूवमेंट मैंने समझा दिया, आपके पास में ये 3 सेल्स है, ये 3 सेल्स है, इनका नाम मैं दे देता हूँ ए बी एंड सी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका बर्गर प्रेशर दे रहा हूँ 10। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर मैं आपको दे रहा हूँ 20। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर मैं दे रहा हूँ, ये सारी बातें ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, इसमें मैं दे रहा हूँ 30 और इसमें मैं दे रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको मूवमेंट ऑफ वाटर बताना है बस, आता हूँ 2 मिनट में।
हाँ तो मैं क्या बता रहा था, क्या हुआ? हाँ भी अच्छा यस कर लेगा फिर, अगर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ठीक है आ सकता है। इसमें टर्गर प्रेशर की वैल्यू भी दे सकता है आपको, मतलब दोनों की वैल्यू दे दे, टर्गर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप क्या करोगे देन, आप डीपीटी डीपीटी निकाल कैलकुलेट के। करोगे और फिर डीपीटी के देखना जिसमें ज्यादा डीपीटी है उधर की तरफ, मतलब उधर से मूव करेगा। एक बहुत जरूरत नहीं है, एक मैं जस्ट बस खास वो आपको ग्राफ बता देता हूँ। एक तरफ हम ले लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, एक तरफ हम ले लेते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे सपोज कर लो ये एक सेल आपने रख रखी है, कहाँ पे, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है प्योर वाटर, ठीक है। तो उसका ग्राफ देखो, सपोज कर लो ये कौन सी सेल है, ये सेल कैसी है, फ्लैसिड सेल, पूरी फ्लैसिड सेल, ठीक है, कोई टर्जिडिटी नहीं है। इसको कहाँ पे उठा के रख दिया, प्योर वाटर या हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह से बिहेव करेगा, जैसे जैसे इसके अंदर वाटर जाता जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर यहाँ पे सपोज कर लो ये पॉइंट मैक्सिमम है, तो आपका इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन होता जाएगा। और जो टर्गर प्रेशर है, टर्गर प्रेशर को देखोगे तो वो क्या होगा धीरे धीरे करके, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे टर्गर प्रेशर बराबर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के। यही ये स्टेज है जो कि किस, कौन सी सेल की स्टेज है, फुल्ली टर्गर, कौन सी सेल की, यहाँ पे फ्लैसिड सेल, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी जीरो है और टर्गर प्रेशर भी जीरो। ये फ्लैसिड सेल के अंदर, सॉरी लग बोल गया, टर्गर प्रेशर जीरो है इसका, ठीक है, टर्गर प्रेशर जीरो है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है फ्लैसिड सेल का, मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा या पूछ सकता है आपसे, ये वाला पॉइंट पिक सेल किस स्टेज पे है, तो वो इस समय फुल्ली टर्जिड पे है, ठीक है, फुल्ली टर्जिड पे स्टेज पे। ये जो दोनों वैल्यू होगी ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। जादो जो कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी पे दिया है उसके बाद सबसे पहली चीज यहाँ पे जो नोट करनी है वो क्या है कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। ये किसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ बट इसकी जो यूनिट है वो यूनिट किसकी यूज करते हैं हम, प्रेशर यूनिट। इसका जो है, इसका जो यूनिट है, यूनिट हम यूज करते हैं प्रेशर, जैसे एनसीईआरटी ने बोला सच एज पास्कल, सच एज पास्कल, ठीक है। तो ये दो चीजें तो बिल्कुल याद रखना कि वाटर पोटेंशियल में कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं फ्री एनर्जी वाला, और यूनिट कौन सी यूज कर रहे हैं, प्रेशर वाला, ठीक है, वो रिलेटेड। जैसे मैंने आपको बोला था कि फ्री मॉलिक्यूल का क्या है, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन होने की वजह से वहां पे क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी होने से क्या है उसका, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी है वो बार बार टकरा रहा है रैंडमली एक दूसरे से, दैट मींस कि वहां पे क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आता है कि नहीं, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन आया।
एक्सिलरेशन का मतलब है उस फ्री मॉलिक्यूल का अपना कुछ ना कुछ क्या है, वेट, उसका कुछ ना कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स। और पर यूनिट फोर्स क्या है, पर यूनिट एरिया की बात कर दें अगर, तो यही आपका क्या कहलाएगा, प्रेशर। यही क्या कहलाएगा आपका, प्रेशर। तो यूनिट कौन सी यूज कर रहे हैं हम, प्रेशर। बात समझ में आ रही है? ओके। फिर से वापस आ जाओ कि वाटर पोटेंशियल, बच्चे ये जो पोटेंशियल टर्म है लिक्विड के लिए जनरली दिया जाता है, आपको एनसीईआरटी के लाइन देखना, पहली दो लाइनों को छोड़ के तीसरी लाइन पे लिखा हुआ है कि जो गैस एंड वो लिक्विड है, गैस एंड लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है उनमें क्या हो रहा है, रैंडम मोशन। ठीक है, और रैंडम मोशन फिर से वही कॉन्सेप्ट बार बार आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो वाटर पोटेंशियल है ये स्पेसिफिकली हम किस चीज के लिए दे रहे हैं, स्पेसिफिकली फॉर, ठीक है, हम जो बात करने जा रहे हैं यहाँ पे ये वाटर के लिए बात कर रहे हैं। आपको पता है वाटर क्या है, लिक्विड, लिक्विड में फ्री मॉलिक्यूल, फिर से वही बात, फ्री मॉलिक्यूल, फ्री मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल होंगे, जहां पे क्या हो रहा होगा, रैंडम मोशन हो रहा होगा। रैंडम मोशन का मतलब उसमें अपनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी आप, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, और यही काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली किस फॉर्म में है, या ये बोल लो, उल्टा बोल दो थोड़ा सा, कि जो फ्री एनर्जी है इसकी वो किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि जो वाटर पोटेंशियल में हम कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं वो क्यों है। ठीक है, क्योंकि ये जो रैंडमली मूविंग मॉलिक्यूल है जिसमें रैंडम मोशन हो रहा है उसकी जो अपनी फ्री एनर्जी है वो बेसिकली किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम बात करेंगे वाटर पोटेंशियल में फ्री एनर्जी की। अब एक पिक्चर देखो, बात बिल्कुल वैसे ही है, जब मैं बात करूंगा प्योर वाटर की, ये सपोज कर लो बीकर है और यहाँ पे क्या भरा हुआ है, प्योर वाटर। ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ प्योर वाटर में फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाए होंगे। ठीक है, तो क्योंकि फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम है, दैट मींस कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी बच्चे, मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसी काइनेटिक एनर्जी को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, साई के, क्योंकि वाटर की बात कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं, साई डब्ल्यू। तो ध्यान में रखना कि ये जो वाटर पोटेंशियल है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट इन ग्रीक वर्ड साई, ये तीनों जो लाइनें मैंने लिखाई हैं वो आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर पोटेंशियल को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट में उसका यूनिट पास्कल है, प्रेशर की यूनिट इस्तेमाल हो रही है वहां पे, और ग्रीक वर्ड यूज किया गया साई इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसका जो सिंबल है वो बेसिकली क्या है, साई। ओके, और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि चूंकि प्योर वाटर में फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो उसका साई डब्ल्यू जो है क्या होगा, ज्यादा होगा। अब एक काम की चीज देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप केमिस्ट्री में इसको क्या बोलते हो, एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, साई डब्ल्यू ऑफ वाटर, ठीक है,
जीरो मान लिया गया, ठीक है, बाई कन्वेंशन। साई डब्ल्यू ऑफ जीरो क्या किया गया बाई कन्वेंशन, हमने क्या कहा कि साई डब्ल्यू ऑफ वाटर जो है जीरो हो, ये मान लिया गया, आपको भी मानना पड़ेगा, ठीक है, लिखा हुआ जो। तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अब तुम मेरे से बेहतर जानते हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है। स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब 273 केल्विन। हाँ मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, ध्यान में रखना। तो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका 273, ठीक है, एंड ये प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं पूरा नहीं लिखा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है, मतलब दो तीन चीजें बिल्कुल समझ में आ रही हैं, प्योर वाटर है मतलब कि सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं फ्री, और बाय कन्वेंशन साई डब्ल्यू बोला गया कि साई डब्ल्यू जो कि वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बाय कन्वेंशन हमने क्या मान लिया, जीरो। किस कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। एनसीईआरटी बोलती है कि साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल है किसी सोल्यूशन का, उसमें दो चीजें, दो कंपोनेंट मेनली 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 ध्यान देना, दो कंपोनेंट मेनली कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन सा, एक सोल्यूट पोटेंशियल है और दूसरा क्या है, प्रेशर पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल को ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ध्यान दो, जैसे यहां पे मैं एक बीकर बना रहा हूं, ये आपका एक बीकर, ये बीकर में हमने ले रखा है इस बार बच्चे क्या, या थोड़ी देर के लिए मानो कि प्योर वाटर, प्योर वाटर अपने आप सोल्यूशन बन जाएगा ये, अभी ये मान लो कि यहाँ पे प्योर वाटर था, ठीक है, प्योर वाटर का अपना क्या हो जाएगा बच्चे, साइड, हम टेक्निकली क्या बोल रहे हैं कि साई डब्ल्यू क्या होगा, जीरो। अब देखो ये बीकर, बीकर की क्या है, वॉल, बीकर का अपना वॉल, जब वाटर भरा तो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल इस वॉल के साथ में क्या हो गए, चिपक गए, मतलब इंटरैक्ट करने लगे, और जब इंटरैक्ट करेंगे तो उनका रैंडम मोशन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, रैंडम मोशन खत्म हो गया, क्योंकि वो वॉल के जो मॉलिक्यूल है उसके साथ में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे। अब अच्छा, ये तो हमने बात की एक उसका फिजिकल सिस्टम का, ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोल दूं कि ये वेसल किसकी वेसल है, जाइलम की वेसल है, ये जाइलम की वेसल है, इसमें आपका पानी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसकी जो वॉल है इसके वॉल के साथ में तो मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, चिपक सकते हैं, ठीक है, तो वहां परफेक्ट, ठीक है, दैट मींस कि ये पर्टिकुलर टर्म कंट्रीब्यूट करेगा किस चीज के लिए, जब साई डब्ल्यू आप सोल्यूशन का डिसाइड करने जाओगे या वाटर का डिसाइड करने जाओगे, ठीक है, एक चीज समझ में आ रहा, इस वाले टर्म को हम बोलते हैं मेट्रिक पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, मेट्रिक पोटेंशियल, और रिप्रेजेंट करते हैं साई एम से, पर प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत, तो साई एम को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, साई एम को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, तो इसी वजह से एनसीईआरटी में साई एम के बारे में कोई डिटेल डिस्कस नहीं किया गया। एक चीज ये हो, दूसरी देखो, ये भरा हुआ है, या सपोज कर लो ये आपकी वेसल, ठीक है, पानी कहाँ से उठा रही है, वाटर ग्राउंड लेवल से उठा रही है, ठीक है, तो उसका अपना जो है क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ ग्रेविटी होगी, मतलब उसका कुछ ना कुछ वेट होगा ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, तो वो भी बनाता है एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसको हम रिप्रेजेंट, देखो साई एम एक टर्म मैंने बोला, इसको मेट्रिक पोटेंशियल बोला, दूसरा टर्म मैंने बोला साई जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पर अप टू 5 मीटर, 5 मीटर तक जितना भी ग्रेविटी कंट्रीब्यूट करता है उसको हम नेग्लेक्ट कर दें, हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड इसका नहीं होगा, तो ये टर्म भी कैंसिल और ये टर्म भी कैंसिल, ठीक है, ध्यान देना कि ये दोनों के दोनों टर्म
निगेटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब जो भी वाटर पोटेंशियल की वैल्यू आती है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, डिक्रीज करते हैं वाटर पोटेंशियल को, वाटर पोटेंशियल को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अब तो दो चीज को आपने निगलेक्ट कर दी सोल्यूशन में, अब इसमें आप ऐड करो क्या, कुछ कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे बना दो ताकि आपको तो पता चले कि ये क्या कर गए हैं इसके साथ में, पर हम इसको कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। ये देते हैं साई एम, जो कि ये क्या है आप यहाँ पे लिख दो, नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्ट इस टर्म को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर, ठीक है, पूरी की पूरी वॉल के साथ लगा हो गया। मान लो कि बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल वाटर के हैं, उसमें से अगर 1 लाख मॉलिक्यूल वॉल के साथ चिपक ही गए तो क्या होगा, बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। जब सल्यूट ऐड करोगे तो सपोज कर लो सल्यूट का मॉलिक्यूल आ गया, मैं सारा नहीं बनाऊंगा, मैं एक बनाऊंगा, ये सल्यूट का मॉलिक्यूल आया, इस सल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ में आपके वाटर के मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे, इंट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स कि दीज वाटर मॉलिक्यूल आर नॉट फ्री नाउ, अब ये फ्री नहीं है, फ्री नहीं है तो रैंडम मोशन नहीं है, रैंडम मोशन नहीं है तो क्या वेलोसिटी नहीं है, किनेटिक एनर्जी नहीं है, फ्री एनर्जी नहीं है। दैट मीन्स कि जितना सल्यूट आप ऐड करते चले जाओगे वाटर पोटेंशियल उतना ही बढ़ जाएगा, क्या बात है, अपनी कहानी चल रही, सिंपल सी बात मैंने बताया कि जो साइड वाटर अपनी है पोटेंशियल घट जाएगा। घटेगा, पर यहां से कोई बच्चा बोल रहा है इसी को मैं बोल रहा हूँ, तो साई डब्ल्यू फ्री एनर्जी के कारण है, जितने ज्यादा फ्री मालिक्यूल उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतना ज्यादा साई डब्ल्यू, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना ज्यादा आपका फ्री वाटर मालिक्यूल उतना ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी, उतनी ज्यादा उसकी फ्री एनर्जी, उतना ज्यादा उसका साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल, कोई डाउट। और बाई कन्वेंशन साई डब्ल्यू हमने क्या मान लिया है, जीरो। That means कि जो भी साई डब्ल्यू की वैल्यू आएगी ऑलवेज वो क्या होगी, निगेटिव होगी, कोई डाउट, कोई डाउट, ठीक है। तो साई डब्ल्यू आपका बाई कन्वेंशन जीरो है। अब मैंने इसमें क्या कर स्टार्ट किया डालना, सल्यूट, सल्यूट जैसे ही डालना आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल था वाटर मॉलिक्यूल सल्यूट के साथ इंटरेक्ट करने लगा, मतलब बाउंड हो गया, मतलब उसने अपना रैंडम मोशन लूज कर दिया, और रैंडम मोशन लूज किया दैट मीन्स कि साई डब्ल्यू क्या होने लगा, डिक्रीज करने लगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो किसी भी सोल्यूशन का जो साई डब्ल्यू होगा वो ऑलवेज लेस देन प्योर वाटर, मतलब लेस देन होगा फ्रॉम प्योर वाटर के साई डब्ल्यू से, ठीक है, जो साई डब्ल्यू होगा प्योर वाटर का उससे ऑलवेज लेस होगा, और दूसरा ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव, बात समझ में आ रही है। तो ये जो साई डब्ल्यू है फॉर सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो ये साई डब्ल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई एस प्लस साई पी, ठीक है। साई एस क्या है, ये सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल को समझने में कोई दिक्कत नहीं, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रॉब्लम करती है तो बच्चे ये करती है, इस टर्म साई एस, इस टर्म को हम बोलते हैं सल्यूट पोटेंशियल, लिख दो, ये टर्म है आपका सल्यूट पोटेंशियल, इसी को हम बोलते हैं बच्चे ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यही है आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल, इसी को या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इसी को इनडायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन, दिस इज बेस्ड ऑन द एनर्जी, फ्री एनर्जी, फिर से वही बात समझ में आ रही, फ्री एनर्जी पे बेस्ड है वो, कंसंट्रेशन पे बेस्ड, इनडायरेक्टली रिलेटेड है पर डायरेक्ट रिलेशन इनका आपस में नहीं, ठीक है। साई पी क्या है इसमें से, साई पी है बच्चे प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, इसी को आप इनडायरेक्टली क्या बोलते हो बच्चे, टर्जिडिटी पोटेंशियल, टर्गर प्रेशर, साई डब्ल्यू सॉरी साई डब्ल्यू कर, साई एस ऑलवेज बच्चे क्या होगा, लिखते जाओ नीचे की तरफ कहीं पे लिख दो, यहाँ पे ये ऑलवेज क्या होगा बच्चे,
नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। प्रेशर पोटेंशियल बच्चे एक पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। तो अब देखो तुमको एक चीज समझ में आएगी, सबसे पहले कि एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूं कि साई डब्ल्यू में दो मेनली जो दो कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें से एक कंपोनेंट आपका है सॉल्यूट पोटेंशियल और दूसरा टर्म है आपका प्रेशर पोटेंशियल। ये दोनों क्या करते हैं, मेनली कंट्रीब्यूट, एनसीईआरटी की लाइन है कि द टू मेन कंपोनेंट ऑफ द साई डब्ल्यू इज प्रेशर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल। ओके जिसमें से सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है और प्रेशर पर जो है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि सॉल्यूट पोटेंशियल कंट्रीब्यूट नेगेटिवली एंड प्रेशर पोटेंशियल कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली। ठीक है, ये टर्म प्रेशर जो साई डब्ल्यू है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और ये टर्म जो है साई डब्ल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। साई एस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। साई पी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है तो साई डब्ल्यू को डिक्रीज करेगा और ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है तो साई डब्ल्यू को इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई। चल तो डिफाइन करो व्हाट इज सॉल्यूट पोटेंशियल। ये तो आपका काम आ जाएगा हर जगह पे, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। साई एस सॉल्यूट पोटेंशियल है, ऑलवेज नेगेटिव होगा, इसी को ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। साई पी आपको प्रेशर पोटेंशियल है, पॉजिटिव वैल्यू है, ट्रिगर प्रेशर है। ठीक है, मुझे बता दो कि जैसे आपने सल्यूट ऐड करना कर स्टार्ट किया, मतलब एडिशन ऑफ सल्यूट इन कहाँ पे, प्योर वाटर, प्योर वाटर में एडिशन हुआ सल्यूट का, तो इसने क्या किया, साई डब्ल्यू को प्लेस कर दिया। अब जितना ज्यादा इसके, मतलब जितना इसकी मैग्नीट्यूड में डिक्रीज हुआ है, जितना वाटर पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, कम हुआ, दैट इज नोन एज, दैट इज नोन एज। ठीक है, एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन प्योर वाटर, साई डब्ल्यू डिक्रीज हो। आप इनफैक्ट ये बोल सकते हो कि लोवरिंग, लोवरिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ साई डब्ल्यू इज नोन एज, क्या बोलोगे बच्चे इसको, सॉल्यूट पोटेंशियल। अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको समझा दूं, सपोज कर लो कि इस, ये तो प्योर वाटर का साई डब्ल्यू तो इतना होगा ही, जीरो है। ठीक है, इसको और थोड़ा डिफरेंट उसमें समझो, ये कॉपी कर लो, मैं इधर की तरफ एक बना देता हूँ। ये सपोज कर लो मैंने बोला कि एक सोल्यूशन, ऑलरेडी सोल्यूशन, ये क्या है, ऑलरेडी सोल्यूशन, इसका साई डब्ल्यू मैं बोलता हूँ कि इसकी वैल्यू माइनस 20, मतलब ऑलरेडी सोल्यूशन है, दैट मीन्स की नेगेटिव ही होगी। ओके, इसमें हमने और एडिशन किया किसका बच्चे, सल्यूट का, और सल्यूट का। ठीक है, और आफ्टर एडिशन ऑफ
सॉल्यूट सपोज कर लो साई डब्ल्यू डैश मैं बोल देता हूँ, ठीक है, साई डब्ल्यू डैश ये हो जाता है सपोज कर लो -32, ये क्या हो गया -32। तो ये जितना लोअर हुआ है, ठीक है, जितना लोअर हुआ है ये लोअरिंग इन मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर पोटेंशियल वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। मतलब कि साई एस जो है आपका कितना हो जाएगा -, कोई डाउट, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ साई डब्ल्यू ड्यू टू द एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज, समझ में आ रहा है, सॉल्यूट पोटेंशियल। अच्छा एक और चीज देखिए कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साई एस, ठीक है। साई एस का जो मैग्नीट्यूड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बच्चे, ये चीज समझ में आ रही है, जितना ज्यादा सॉल्यूट कंसंट्रेशन उतना कम साई एस। फिर से तुम मैं पूछ रहा साई एस के कंपेयर में क्वेश्चन पूछा गया और बच्चों ने गलत किया हुआ था, नीट का क्वेश्चन है कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो सॉल्यूट पोटेंशियल का क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, डिक्रीज होगा। इस रिलेशन को देखो आप क्या कर रहे हो, आप ऐड करते जा रहे हो, और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि साई एस कैसी वैल्यू है, निगेटिव, तो जितना निगेटिव की बढ़ेगी उसकी वैल्यू उतनी डाउन हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये साई एस, ये क्या है साई एस, मतलब साई एस को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, साई एस कुछ नहीं है, क्या है, जितना वाटर पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी किसकी वजह से, एडिशन ऑफ सॉल्यूट, उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट मैग्नीट्यूड विल बी नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल साई एस। कोई डाउट होगा, डाउट बच्चे घर पे पढ़ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्म है वो। एक्चुअली क्या है कि सॉल्यूट पोटेंशियल को रिप्रेजेंट ही उसके लोअरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल के टर्म देता था। घर पे बैठ के पढ़ना, थोड़ा डाउट होगा तो फिर से किस वाली वैल्यू पे ध्यान दें। साथ समझ लें कि जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे वाटर पोटेंशियल भी उतना घटेगा और सॉल्यूट पोटेंशियल भी, दोनों क्या होंगे, घटेंगे, बढ़ेंगे कोई भी नहीं। ये तो कहानी थी अभी तक तुम्हारी किस चीज की, साई एस। अब एक और चीज की, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब कोई और प्रेशर, इस सिस्टम में कोई प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छोड़ के, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि साई पी विल बी जीरो। दैट मीन्स कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एट एसटीपी साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी जो कि जीरो है, दैट मीन्स कि साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस, साई डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, साई एस के, किसका, ये किसका है, सॉल्यूशन प्योर वाटर का तो हमने पहले ही मान रखा है, क्या जीरो, हमें प्योर वाटर के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, हमें किसके बारे में सोचना है, सॉल्यूशन के बारे में। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर साई पी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा और कोई प्रेशर इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि साई पी विल बी जीरो, साई पी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब साई एस कैसी वैल्यू बच्चे, निगेटिव। तो जो सॉल्यूशन का, तो आप बोल सकते हो कि साई डब्ल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी नेगेटिव एंड लेस देन साई डब्ल्यू ऑफ प्योर वाटर। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन है क्या,
और चेहरा देख के लग रहा है कंफ्यूजन, इससे बेहतर नहीं बता सकता मैं, मेरी एक लिमिट पेरिंग के पर। नहीं डिक्रीज नहीं होगा, मैं इससे अच्छा नहीं बता सकता वो मैं बता रहा हूँ। तो कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज थोड़ी होता है बेटा, उसका तो है, तो वो है इसके ऊपर। अब तुम याद करो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मैंने थ्रिसल पदन समझाया था, थ्रिसल पदन अलग करें नहीं, मुझे अभी अपने वाले से मतलब नहीं है फिलहाल, इससे ज्यादा मतलब ये ज्यादा सही रहेगा। आप ना अपनी एनसीईआरटी पे जाके देखना, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ पे समझाया है, वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछे हैं वहां, ठीक है? इसमें क्या लगा रखा है, बाहर क्या भरा हुआ है, प्योर वाटर मान लो या हाइपोथर्मिक सॉल्यूशन, ठीक है? अंदर क्या भरा हुआ है, सुपरोज सॉल्यूशन, यही तो देखा था ना। दैट मीन्स की वाटर की एंट्री होगी, वाटर की एंट्री होगी, और तुम चाहते हो कि वाटर की एंट्री ना हो, तो तुम यहाँ पे क्या फिट कर दोगे, एक पिस्टन फिट कर दोगे, एक पिस्टन फिट कर दोगे, और अगर आपने पिस्टन फिट किया दैट मीन्स कि आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा कोई प्रेशर इंट्रोड्यूस करेगा। अब आपने क्या कर दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा कोई प्रेशर क्या किया है, तो ये जो प्रेशर है यही हो जाएगा आपका प्रेशर पोटेंशियल, इस सिस्टम के लिए यही क्या कहलाएगा आपका प्रेशर पोटेंशियल, क्योंकि हमने एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू को क्या कर रखा हुआ है, जीरो। तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा हमने ये प्रेशर क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट मींस कि साईपी की वैल्यू आ गई, अब साईपी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, अब साईपी कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है? तो ये जो प्रेशर आप यहाँ से लगा रहे हो टू स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर, ठीक है, ये एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है? अब देखो दो टर्म आ रहे हैं, एक आ रहा है यहाँ पे ये एक्स्ट्रा प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर, और यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है कि ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से वाटर एंट्री लेना चाह रहा है, तो ये जो कंट्रीब्यूट कर रहा है सॉल्यूट, इसको बोलोगे आप क्या, सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है? अब इस प्रेशर को आप ऑस्मोटिक प्रेशर बोल जरूर सकते, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हो, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे वैल्यू नहीं देगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा पॉजिटिव, ठीक है? तो वहां से वो कॉन्सेप्ट है कौन सा प्रेशर, वो सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर वाला वहां पे, और इसका जो कॉन्सेप्ट है ये वेरी करता है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना कि इसको आप, ये जो प्रेशर मैं बता रहा हूँ जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये पॉजिटिव प्रेशर की तरह जाएगा, हालांकि इस तरह का कोई सिस्टम आपके उसमें डिजाइन नहीं है एनसीईआरटी में, ये एक्स्ट्रा नॉलेज पे जाएगा, बस ये ध्यान में रखना कि ये कंट्रीब्यूट करने वाला नहीं। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें बता दी है इन टर्म्स को। हाँ मैं कह रहा हूँ कुछ है ही नहीं बच्चे, मैंने कहा कि ये हम अगर इसको मैं वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हटा दूं, तो ये बेसिकली ये जो प्रेशर लग रहा है इसको हमने क्या बोला, ठीक है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे जब आप ये जो सिस्टम देखोगे और यहाँ पे जब आप साई डब्ल्यू की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ जो सोल्यूशन भरा हुआ है वो तो सॉल्यूट पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, ठीक है, तो साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस हो जाएगा, होगा, पर जो ये अलग से प्रेशर आप डाल रहे हो, ये एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं, ये क्या है, एक्स्ट्रा प्रेशर, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा बच्चे साई पी को, ये कंट्रीब्यूट किसको करेगा, साई पी, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये इतना डीप में नहीं है, इसको आप छोड़ दो।
ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चे, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना तुमको, नहीं तो थर्मल प्रेशर सिस्टम में लगाओगे कैसे? प्रेशर मैंने कहाँ पे बताया था? टर्गर प्रेशर, अच्छा लिखाया नहीं है बच्चे, वापस से जाओ टर्गर प्रेशर, वापस से जाओ और टर्गर प्रेशर पे एक लाइन लिख दो, इट इज अप्लीकेबल ओनली, इट इज अप्लीकेबल ओनली टर्गर प्रेशर है कहाँ पे अप्लीकेबल है सर? प्लांट सेल पे। इसका मतलब तुमको टर्गर प्रेशर समझ ही नहीं आया, नहीं आया ना? तो फिर मैंने वहां पे लिखाया बस नहीं था, एग्जांपल सारा प्लांट सेल का ही लिया हुआ। इवन तुम क्योंकि हम प्लांट के लिए पढ़ रहे हैं तो इस वजह से मैंने प्लांट लिखा दिया। ऐसी ऐसी कोई भी सेल जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो वहीं पे अप्लीकेबल है, ठीक है? हाँ, वॉल प्रेशर, जहां पे टर्गर प्रेशर आएगा वहां पे वॉल प्रेशर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है? टाइम कितना हो गया बच्चा, कितनी देर तक मेरी क्लास चल रही है? एक क्वेश्चन का आंसर दो, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा इसी बीच में। आंसर तुमसे मांग किस चीज का रहा था मैं, क्योंकि तो ये मैंने खत्म कर दिया, नया टॉपिक स्टार्ट साइसी साइस सारा बता दिया था मैंने, ये बता दिया कि साइट एस का रिलेशन सॉल्यूट सॉल्यूट कंसंट्रेशन के साथ क्या है, ये बता दिया, तो ध्यान में रखना इस पे क्वेश्चन आया है। और एक काम करो, अपना एनसीईआरटी ओपन करो, एनसीईआरटी में जाओ आप, पेज नंबर मुझे नहीं पता है, जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा होगा, मैं बता देता हूँ पेज नंबर, पीछे दिखाऊं, ये पेज नंबर 180 जहाँ पे डायग्राम बना हुआ है रेक्टेंगल जैसा सॉल्यूट कंसंट्रेशन, उस पे देखो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के आंसर करो फटाफट। पेज नंबर 180 का नीचे सबसे नीचे डायग्राम बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है हर एक टेबल पे एक एनसीईआरटी होगा, तो आप जो है ना फटाफट उसको देखो, उसके आंसर करो फटाफट फटाफट का आंसर, चार क्वेश्चन है, चारों का आंसर करो, बता चुका हूँ मैं। और कोई अपने आप नहीं बोलेगा, मैं पूछूंगा तब बोलेगा। अच्छा बच्चे, एनसीईआरटी में लिखा है कि जो वाटर पोटेंशियल है उसकी यूनिट प्रेशर की, और उसमें एक एग्जांपल दिया है पास्कल, तो ये मत समझ बैठना कि सिर्फ पास्कल ही यूनिट हो, जो प्रेशर की यूनिट यूज होती है वो कोई भी यूनिट यूज हो सकती है वाटर पोटेंशियल की, ठीक है? यूनिट के लिए तो पास्कल तो उसने एक एग्जाम्पल दिया, ओके? जैसे बार यूज हो सकती है, बाकी केमिस्ट्री के बच्चे हो तुम, फिजिक्स के तुम जानो कौन कौन सी यूनिट यूज होती है। अच्छा हाँ, थोड़ा सा रहता है यार इसमें भी बता दें।
हो गया आंसर, हो गया। थोड़ा समझता है, इतना ज्यादा टाइम देने के बाद आप ये तो देख के आंसर करने वाले थे सर, देख के नहीं करना था आंसर। हो गया, किसका हुआ हैंड रेज करो। लास्ट वाला क्या है, what will be the direction of the movement of water when two solution of side of this point two and are separated by depth? ये तो बहुत आसान है, दैट्स द बात। यहां तो पॉजिटिव वैल्यू दी, पॉजिटिव वैल्यू तो जो ज्यादा है उससे कम की तरफ जाएगा, कांसेप्ट तो हर जगह वही होगा ज्यादा से कम की तरफ, पर थोड़ा नेगेटिव के केस में वैल्यू अगर बड़ी है तो इसका मतलब उसका वाटर पोटेंशियल उतना ही कम है क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है। तो क्या दिक्कत है, पहले का है क्या ए एंड बी दो दिए हुए हैं, एक ही तरफ सॉल्यूट कम है दैट मींस कि एक ही तरफ फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ज्यादा है, बी की तरफ फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कम है, तो किधर से किधर की तरफ मूव करेगा, ए से बी की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन है जहां अच्छा सॉल्यूट बी का, क्योंकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट पोटेंशियल हाँ सही है, एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर अंटिल हैव लोअर, क्या लिखा हुआ है यार, एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल। हाँ एक वन चैम्बर, ये से क्या थर्ड का क्या है, एक वन चैम्बर है जो साइड अपनी -2000 एंड अदर -1000 व्हिच इज द चैम्बर दैट हैज हायर साइड, जिसका कम होगा मतलब नेगेटिव कम होगा उसका। तो आंसर आ गया सबका, सारे बच्चों को आ गया, चलो आगे बढ़ो। हो गया यहाँ पे चैनल को चैनल पे तो इसने दे दिया था, तो इससे पहले दिया हुआ वाटर पोटेंशियल होगा। तो बच्चे दो तीन चीजें लिखना है हमें इसी पे, जो मैंने अभी अभी डिसीजन पेपर डेफिसिट के लिए लिखाया था क्या, फुल्ली टर्जिड सेल, तो बताओ फुल्ली टर्जिड सेल का कंडीशन क्या कर दिया जाए बच्चे, साइड अपनो बताओ फुल्ली टर्जिड सेल के लिए, ये हो जाएगा साई एस प्लस साई पी। आप ना एक कंडीशन बना लो अपने लिए, ये है यहाँ पे आपने सेल रख रखी हुई है, इसमें कौन सा सोल्यूशन है, या प्योर वाटर ले लो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बताओ मुझे ये सेल इस समय कौन सी, फुल्ली फुल्ली टर्जिड है। अच्छा फुल्ली टर्जिड होने का मतलब है कि जो साई पी है वो किसके बराबर है, वापस जाओ कहाँ पे, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट पे, क्या था फार्मूला ओपी माइनस टीपी, जहां पे टीपी क्या था, टर्गर प्रेशर किसके इक्वल हो गया था, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो सेम ही चीज कि फुल्ली टर्जिड सेल पे वाटर का मूवमेंट नहीं होना, ये तो बिल्कुल फैक्ट ही है, ठीक है। दैट मींस कि साई एस एंड साई पी क्या हो गई होंगी, इक्वल हो गई है, पर साई एस की वैल्यू क्या होती है बच्चे, निगेटिव होती है, ठीक। लिख दो यहाँ पे साई एस, यहाँ पे पहले जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है लिख लो कि साई जो पी है वो किसके इक्वल हो गई है, साई एस के, और आपको पता है कि साई एस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, दैट मींस कि ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो आप यहाँ पे पुट कर दो माइनस साई एस, ये क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो। तो साई डब्ल्यू बच्चे क्या हो जाएगा, जीरो, और आपको पता है कि साई डब्ल्यू जीरो उसी का होता है वाटर का, ठीक है। तो ये जरूर बोल सकते हो कि बच्चे क्या होगा, साई डब्ल्यू क्या हो जाएगा। दूसरा कंडीशन लिखो फटाफट, किसका
पार्सली का यूज कर लीजिए, इसमें कुछ करना ही नहीं होगा, पार्सली लिख दोगे सीधे साइस प्लस आई पी, अब क्योंकि यहाँ कुछ नहीं करने का तो सीधे लिख दो पार्सली कैंडिडेट के लिए साई डब्ल्यू इक्वल टू साइस प्लस आई पी। हो गया ट्रांजिशन पे लिखवाए, ट्रांजिट पे लिखवाए, पार्शियली ट्रांजिट का लिखाना पड़ेगा बच्चे। अरे सिर्फ यही तो लिखना है पार्शियली ट्रांजिट, और कुछ लिखना नहीं है। क्या लिखाने जा रहा था मैं, फार्मूला बताओ, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस, ठीक है। अब एक बात बताओ कि प्लेसिड सेल है, ये प्लेसिड सेल है, दैट मीन्स की साई पी की वैल्यू क्या होगी, n2, दैट मींस कि साई डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, और साई एस क्या होता है, अच्छा एक चीज तुमको मैंने बता दी, एक चीज तुमको दिमाग नहीं आया, दिमाग में नहीं आया, क्वेश्चन आना चाहिए था दिमाग में। हाँ क्या हो जाता है, हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन नहीं दिमाग में आया तुम्हारे इस वाले सिनेरियो को लेकर, मैंने क्या बोला था, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब सॉरी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर साई पी विल बी, पर मैंने तो यहाँ पे वैल्यू रखी हुई, क्यों रखा है इसमें, एक्स्ट्रा प्रेशर कैसे कंट्रीब्यूट हो रहा है, जाहिर सी बात है टर्गर प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है भाई वहां पे, टर्गर प्रेशर तो एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं है, वो एक वैल्यू है जो किसकी वजह से आई है, वाटर की एंट्री की वजह से, वो तो कंट्रीब्यूट करेगा तो आपको रखना पड़ेगा वहां, ठीक है। यहाँ फैसिट सेल केस में टर्गर प्रेशर मैंने क्या लिखाया था, जीरो, दैट मींस कि प्रेशर पोटेंशियल वहां पे क्या है, जीरो। लास्ट वाली क्या बताया था, क्या होगा टर्गर प्रेशर प्लाज्मा लाइट्स के लिए क्या लिखाया था मैंने, तो क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, दैट मींस कि साई एस माइनस साई पी, क्योंकि यहाँ पे ये हो जाएगा निगेटिव फॉर प्लाज्मोलाइट सेल, फॉर प्लाज्मोलाइट सेल तो साई पी है वो क्या हो जाएगा बच्चे, निगेटिव वैल्यू, ये साई डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई एस माइनस साई पी, कोई डाउट है क्या, कहाँ से, अच्छा नहीं बच्चे ये जो है ना यहाँ पे मैंने जब किया था जो वैल्यू आएगी साई एस की वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी, समझ में आ रही है बात, तो अगर इसकी मैं वैल्यू मैग्नीट्यूड फिट करना चाह रहा हूँ तो वो निगेटिव में आएगी, बट अभी चूंकि फार्मूले में रखा है तो उसको तुम क्या करोगे, एस एस साई एस रखा रहेगा। सपोज कर देता मैं बोल देता कि साई एस क्या है, माइनस टेन, तो इसकी वैल्यू है माइनस टेन, अब ये क्या हो गया कि ये जो है आपका साई पी क्या हो गया, ये जो है आपका हो जाएगा माइनस, निगेटिव हो जाएगा ना, हाँ तो माइनस है ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये अब जो वैल्यू आएगी यहाँ पे प्लस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे अगर मैं बोल दूं जैसे कि प्लाज्मोलाइट के लिए तो साई एस की जो वैल्यू रखूंगा वो निगेटिव रखूंगा, और यहाँ पे फिर से वही चीज होगा, अगर इसकी कोई वैल्यू है, सपोज कर मैं बोल दूं इसकी वैल्यू क्या है 20, तो इसकी वैल्यू मान लिया मैंने माइनस, ठीक है, माइनस माइनस 10 माइनस 20 क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो है मतलब इसकी जो जब वैल्यू पुट करने जाओगे तो वो कौन सी वैल्यू होगी, मतलब जो आपको क्वेश्चन में अगर वैल्यू देगा तो कौन सी वैल्यू देगा, वो आपको निगेटिव, ठीक है। जब तक आप इस टर्म में इसको रखे हो इसको निगेटिव थोड़ी शो करेगा, वो तो पूरा फार्मूले का मतलब खत्म कर देगा, ठीक है। इसीलिए जब मैंने इसकी वैल्यू रखी, एक्चुअली सही पूछो तो मुझे क्या करना चाहिए था, मैं बताता हूँ, मुझे यहाँ पे ये टर्म लिखना ही नहीं चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे वैल्यू रखना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए था, वैल्यू। आप अगर किसी बुक में देखोगे तो वो इस तरह से नहीं करता, ये गलत तरीका है, सही पूछो, ठीक
ठीक है, बट मैंने जल्दी जल्दी में करवा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, मतलब इससे यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट करना चाहिए था साई एस की, ठीक है, साई एस की मैं अगर वैल्यू -10 सिलेक्ट कर देता तो अपने आप वो जो है प्लस माइनस कर लेता जाता फार्मूला, बात समझ में आ रही है कि नहीं, हाँ वो सर, इतना अफेक्ट नहीं करेगा, मैंने चूंकि यहाँ पे लिख रखा है तो वो मेरे इस मीनिंग को कभी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे पहले ही लिखा दिया, अगर ये ना लिखाता तो ये गलत हो जाता, पर मैंने उसको पहले ही वहां पे लिखा दिया, ठीक है, तो टेक्निकली वो गलत नहीं, ध्यान में रखना कि मैं पहले कई बार तो चीजें बोल चुका हूँ कि बच्चे ये निगेटिव है सारे, जो इनका मैग्नीट्यूड आएगा बेसिकली वो, मतलब ये मैग्नीट्यूड बार बार बोल रहा हूँ, जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको कौन से बोलते हैं, जो भी नंबर आएगा जो वो निगेटिव होके आएगा, ठीक है, वैल्यू जो भी, तो प्लाज्मोलाइज सेल के लिए, प्लाज्मोलाइज सेल के लिए साई डब्ल्यू क्या हो जाएगा, साई एस माइनस साई, अब देखो रेफरेंस ऑर्डर बनाओ, रेफरेंस ऑर्डर बनाओगे तो सबसे ज्यादा साई डब्ल्यू किस पर निकलेगा, लीटर जेट का, फिर किसका निकलेगा, फिर किसका निकलेगा, क्या फिर किसका निकलेगा, जाओ वापस से देखो जाके डिफ्यूजन प्रेशर डिपसेट में क्या था, उल्टा, तो ध्यान में रखना कि साई डब्ल्यू और डिफ्यूजन प्रेशर डिपसेट दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ठीक है, ऑपोजिट, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों में कॉन्सेप्ट में थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट से फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट ले रहा है, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा, प्रॉब्लम नहीं मतलब ये जो चेंज आ रहा है उसमें साइन में उसकी वजह से, तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिटेल दिया है, पूछेगा तो बच्चे इसके टर्म को पूछेगा, तो इस वाले को याद रखना, जो बाकी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है उसको अगर ना भी याद रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, मतलब तुमको हेल्प क्या मिलेगी, क्योंकि तुमने उसको पढ़ लिया है, मुझे भी जो समझ में आता कि वो ज्यादा आसान है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ज्यादा आसान, टर्गर प्रेशर के कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा आसान लग रहा है, ठीक है, इन कंपेयर टू प्रेशर पोटेंशियल, तो आप अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो आप सीधे क्या करोगे, डीपीडी निकाल के उसको उल्टा कर दो, तो थोड़ा से आपका क्या निकल आएगा, वाटर पोटेंशियल वाला, ठीक है, डीपीडी जब आपने कैलकुलेट किया था तो क्या बोला था, ओपी माइनस पीपी, यही तो फार्मूला है ना डीपीडी का, और जब आप साई डब्ल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या बोल रहा है, साई एस प्लस साई, देखो यहाँ पे भी साइन में डिफरेंस है कि नहीं, ठीक है, तो दोनों चीजें में जो आपको कंफर्टेबल लगे वो कर लेना, मेरी तरफ से ये खत्म है, मैं अब दूसरे चीज पे जा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट बचता है प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस के बारे में बाद में मैं आपको दो कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूँ, एक्चुअली वो पहले ही बता देने चाहिए, टाइम कम, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आप एक प्लांट सेल को उठा के या बैक्टीरियल सेल को उठा के या फंगल सेल को उठा के कहाँ पे रखते हो, प्योर वाटर या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो एंडोसमोसिस, एंडोसमोसिस का मतलब वाटर अंदर की तरफ मूव करता है, तो सेल की कंडीशन कैसी हो जाती है, सेल टर्जिट हो जाती कि नहीं, एक चीज वो हो गई फुल्ली टर्जिड सेल, वो समझ में आ रहा है, एक बार अगर आप क्या करो कि एक सेल को अंदर वाला सेल वाल बाहर, अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन बाहर वाला सेल वाल, या अंदर वाला प्रोटोप्लाज्म बोल लो बाहर का सेल वाल, आपने उठा के रख दिया बच्चे किस सोल्यूशन में, हाइपरटोनिक, तो जब आप इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पे रखोगे तो क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा, इस बार क्या होगा, एक्सोस्मोसिस, तो एक्सोस्मोसिस का मतलब क्या है कि जो इसका प्रोटोप्लाज्म है
वो श्रिंकेज, कौन बोला श्रिंकेज होगा, ये प्रोटोप्लाज्म, ठीक है प्रोटोप्लाज्म, तो ये प्रोटोप्लाज्म जिसका क्या करना स्टार्ट करेगा, श्रिंक करना स्टार्ट करेगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन, व्हेनेवर वी प्लेस्ड अ प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देयर इज श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड द फिनोमेना या द प्रोसेस इज नोन एज सिंपल सी बात, कुछ है ही नहीं। एक बार आपने क्या रखा था कि प्लांट सेल को उठा के हाइपोटोनिक में रखा, तो आपकी टर्जिडिटी वाले कॉन्सेप्ट सारे आ गए, ठीक है, टर्गर प्रेशर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ गए। अब आपने क्या किया कि उसी प्लांट सेल को उठा के आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, हाइपर में, तो हाइपर में रखने से क्या हुआ कि प्रोसेस यहां से बाहर क्या आने लगा, कौन सा कलर यूज करूं, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर, प्रोसेस एक्सोस्मोसिस, तो श्रिंकेज होगा। पहले क्या हुआ था, आपका प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ा था, प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ा था तो अपनी सेल वॉल पे क्या डाल रहा था, कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हुआ, टर्गर प्रेशर, वाटर पोटेंशियल, उसके वाटर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में बोलोगे तो कौन सा प्रेशर, वो कौन सा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, प्रेशर पोटेंशियल, बात समझ में आ रहा है, प्रेशर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। अब आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज किया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में उठा के रख दिया, तो जहां पे पहले एक्सपेंशन हो रहा था अब क्या होना स्टार्ट हो गया, श्रिंकेज, और श्रिंकेज ही जो है क्या कहलाएगा, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। तो आप पहले तो डिफाइन कर दो, इसको लिख दो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसका श्रिंकेज है प्रोटोप्लाज्म का, व्हेन अ प्लांट सेल, प्लांट सेल कहां पे प्लेस कर दोगे, प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अकर लिख दो, अकर या टेक स्पेस, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म अकर इन द प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द फिनोमेना इज नोन एज, या सीधे लिख दो इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस, इसी को आप क्या बोलते हो, प्लाज्मोलिसिस। मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया नीट में, क्या देखो, ये जो तुम्हारी सेल वॉल, ये तो क्या परमीएबल, तो पूछता क्या है क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, कि जो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच का, या प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बीच का जो स्पेस है, ये वाला स्पेस एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं पता है, आगे बताऊंगा, एपोप्लास्टिक स्पेस है, ठीक है, पर उसने पूरा नाम दिया आपको कि द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, उसमें जो सोल्यूशन होगा वो कौन सा सोल्यूशन होगा, चूंकि सेल वॉल परमिएबल, तो ये जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बाहर वाला सोल्यूशन को ब्लैक से या किसी और कलर से कर दो, ठीक है, और यहाँ पे ये भर जाएगा, तो याद रखना कि ये जो सोल्यूशन है ये कौन सा सोल्यूशन है बच्चे, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया, कि जो वाटर एक्सोस्मोसिस जो हो रही है, मतलब वाटर जो बाहर निकल रहा है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, वाटर की हायर कंसंट्रेशन से वाटर की लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, तो वो पहले कहां से निकलेगा, बाद में कहां से निकलेगा, देखो यहाँ पे दो पार्ट है, कौन से दो पार्ट है, एक है इसके अंदर वैक्यूल, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे, या दूसरा सिस्टम क्रिएट कर दो, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैक्यूल लिख रखा हुआ है, या आपके पास स्पेस है तो आप बना लो वैक्यूल, छोटा सा वैक्यूल बना लो, इसमें ये मैंने आपका वैक्यूल क्रिएट कर दिया, ठीक है, और H2O मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये वैक्यूल, ये क्या है, वैक्यूल। तो जो वाटर का लॉस है वो पहले कहाँ से, बताओ, वैक्यूल से या साइटोप्लाज्म से, हाँ साइटोप्लाज्म, कितने बच्चों को लगता है कि साइटोप्लाज्म से होगा, अरे हाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कितने को लग रहा है कि वैक्यूल से होगा, सिंपल सी बात है, जो उनको लग रहा है वैक्यूल से होगा वो बेवकूफ है,
पहले होगा, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है, साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म पर दिखाई नहीं देगा। दिखाई क्यों नहीं देगा, कि जो कमी वाटर की साइटोप्लाज्म में आई है उसको कौन फुलफिल कर देगा, वैक्यूल का वाटर। ठीक है, तो श्रिंकेज किस में दिखेगा, पहले वैक्यूल, श्रिंकेज आपको दिखेगा वैक्यूल में, पर एक्चुअल लॉस ऑफ वाटर पहले कहां से हो रहा है, साइटोप्लाज्म से। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं उस चीज को। जो श्रिंकेज है, श्रिंकेज विल अपीयर फर्स्ट एंड देन, फिर कहाँ पे होगा बच्चे, कहाँ पे होगा या तो बच्चे इसको रखना, चूंकि ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, रीड करोगे एनसीईआरटी तो ये लाइन लिखी हुई है, कौन सी, ये बात नहीं, नहीं ये जो मैंने लिखाया है ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन दिखती हुई है कि जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में या प्रोटोप्लाज्म में सेल वॉल के बीच का जो स्पेस है, क्योंकि सेल वॉल परमीएबल है तो वहां पे जो सोल्यूशन होगा वो कौन सा सोल्यूशन होगा, हाइड्रोजन। अच्छा, ये जो प्लाज्मोलिसिस है बच्चे, प्लाज्मोलिसिस तीन टाइप की होती है, कौन कौन सी है जो भी याद नहीं है, रिसिपिएंट लिमिटिंग, ज्यादा जरूरत है नहीं है, तो लिख दो। प्लाज्मोलिसिस में आपको तीन फेज देखने को मिलेंगे, फेजेस कौन कौन से थ्री फेजेस है बच्चे, एक है आपका लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस, फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस, सेकेंड फेज है इंसिपिएंट, और थर्ड है एविडेंट, नहीं पूछेगा बच्चे, बस तुम्हारी कॉमन सेंस के लिए। ठीक है, लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस है, जिसमें से बच्चे ये ऊपर की दो है ना, ये क्या है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब अगर उनको वाटर मिल गया, इनको ठीक किया जा सकता है, ये वापस अपने आप क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बट अगर इस स्टेज पे पहुंच गया तो ये क्या है, सेल विल डाई। हाँ, सेल विल डाई, रिवर्सिबल, ये है रिवर्सिबल, एविडेंट। तो ऊपर के जो कॉन्सेप्ट है वो सारे एनसीईआरटी पे मेंशन है, ध्यान में रखना। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना कि फर्स्ट आपका साइटोप्लाज्म से होगा, देन कहाँ से होगा, विट्रोल से। ठीक है, श्रिंकेज अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया बच्चे, माइट भी चांसेस कि आपसे पूछे कि श्रिंकेज कहाँ से होगा, तो श्रिंकेज तो जाहिर सी बात है पहले कहाँ अपीयर होगा, वैक्यूल पे, क्योंकि जो भी कमी वाटर की साइटोप्लाज्म में हो रही है वो कहाँ से फुलफिल करते जा रहे हैं, वैक्यूल से। हाँ, ऑलमोस्ट। अरे एक्चुअली क्या है ना, कि प्लांट के केस में बच्चे ये जो
ये सपोज कर लो मैं सेल वॉल नहीं बना रहा यहाँ पे, ये सेल मेम्ब्रेन, तो वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। वैक्यूल क्या होता है, तो जितना भी वाटर है मोस्ट, तो ज्यादातर वाटर कहाँ पे भरा होता है, वैक्यूल। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट बराबर होगी, नहीं बराबर होगी तो क्या होगा, ऑस्मोसिस होगी। दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, यहाँ पे कुछ कुछ आयंस भरे होते हैं जो कि उसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैं क्या बताने जा रहा था, हाँ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस। तो बच्चे एक तो आपकी जो प्लाज्मोलिसिस है ये यूज होती है डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग सॉरी लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर आपको लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करना हो तो आप प्लाज्मोलिसिस करके क्या कर सकते हो, पता। ठीक है, तो ये टेक्निक आपको प्लाज्मोलिसिस किसमें हेल्प करेगी, डिफरेंशिएशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल। और अगर एप्लीकेशन की बात मैं करूँ तो एप्लीकेशन जैसे आपके घर में पिकल्स रखा जाता है, तो पिकल्स में कंसंट्रेशन साल्ट की बहुत बढ़ी हुई होती है। क्यों, मतलब लंबे टाइम तक आप उसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। हायर कंसंट्रेशन सॉल्ट की होगी तो उसमें जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों, किसकी उसकी क्या हो जाएगी, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। तो लिखाने की जरूरत है, अप्लीकेशन है, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है। तो एक तो लिखू तो हेल्प टू डिफरेंशिएट सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्प टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और एप्लीकेशन में लिखना चाहो तो लिख दो उसको क्या, कि इट इज द प्लाज्मोलिसिस ड्यू टू विच पिकल्स। एक और चीज है, मुरब्बा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो भूल गए, बोला हमने मुरब्बा ही नहीं सुन रखा है, सुन रखा है, खाया भी है, तो फिर क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलो नहीं पता, खाने से मतलब है, आम गिनने से मतलब क्या बोलते हैं, पेड़ गिनने से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ आम खाने से मतलब है। मुझे 3 मिनट बचा है मेरे पास, 3 मिनट में आपको जल्दी जल्दी करके दो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ज्यादा टाइम लगेगा। एक कॉन्सेप्ट है मेम्ब्रेन परमियबिलिटी का, क्योंकि मुझे ऑस्मोसिस जैसे ही खत्म किया था मुझे तुरंत या ऑस्मोसिस से पहले समझा देना चाहिए था, हालांकि एनसीईआरटी में इनका डिटेल कोई है नहीं, पर कुछ बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है। मेम्ब्रेन परमिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 4 टाइप्स। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ परमिबिलिटी ऑफ परमिबिलिटी को टारगेट करते हुए मेम्ब्रेन्स को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। वो कौन कौन से टाइप्स हैं, सबसे पहले आप उठा लो इम्परमीएबल। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये वाली जो मेम्ब्रेन होगी इम्परमीएबल मेम्ब्रेन, ये ना तो सल्यूट को क्रॉस करने देगी ना सॉल्वेंट। ठीक है, नीदर सल्यूट नॉर सॉल्वेंट कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन। अच्छा मुझे बताओगे एग्जाम्पल, इम्परमीएबल का एग्जाम्पल क्या है, जैसे सुबेराइज सलवार है कि नहीं, सुबेराइज ब्राइज सलवाल जो है वो है आपकी जो और भी कई सारी मेम्ब्रेन्स हैं, सेंट्रल
एनसीईआरटी में पास नहीं होगा। क्या हुआ बच्चे? अच्छा मुझसे पूछ लोगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा, पता लगा तुम्हारे फ्रेंड ने तुमको गलत बता दिया। एक ही और मेरे पास भी एक ही है, और भी है पर मुझे याद नहीं है। दूसरा ले लो परमिएबल कैटेगरी, दूसरा ले लो परमिएबल। परमिएबल मेम्ब्रेन कौन से होंगे बच्चे? बोथ सॉल्यूट सॉल्वेंट क्रॉस, और इसका एग्जांपल तो आप जानते हो सेल वॉल। आपकी जो सेल वॉल है वो परमिएबल। तीसरा कैटेगरी है आपका सेमी परमिएबल। परमिएबल का मतलब है बच्चे कि ओनली सॉल्वेंट क्रॉस करेगा, ओनली सॉल्वेंट, नो सॉल्यूट। सॉल्यूट क्रॉस नहीं कर सकता। एग्जाम्पल आपको पता जित जो है सेलोफे, सेलोफे ठीक है, बोट लेडर ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट कैटेगरी बचती है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो कैटेगरी है आपकी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में ऑल सॉल्वेंट एंड सम सॉल्यूट, सम सॉल्यूट कैन क्रॉस ठीक है। एग्जाम्पल की बात करोगे तो जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, मतलब चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो, चाहे टोनोप्लास्ट हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन, वो सारी की सारी मेम्ब्रेन आपकी कैसी है? सिलेक्टिवली परमिएबल ठीक है। ये कैटेगरी हो गई आपकी मेम्ब्रेन परमिएबल की। दूसरा एक और चीज जो मुझे समझाना है वो है यही जो सोल्यूशन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। वैसे तो आप केमिस्ट्री में बहुत टाइप के सोल्यूशन पढ़ते हैं, मेरे को उनसे मतलब, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो डिसाइड करूंगा वो ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे करूंगा? टोनिसिटी। और टोनिसिटी क्या है? रिलेटिव कंसंट्रेशन, रिलेटिव कंसंट्रेशन मतलब अगर सिस्टम बना दोगे तो वहां पर रिलेटिव कंसंट्रेशन। तो सपोज कर लो यहाँ पे मैंने एक सिस्टम डिजाइन किया, एक बीकर है जिस पे मैंने एक प्लांट सेल को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया प्लांट सेल, और यहाँ पे कोई सोल्यूशन रखा, कोई सोल्यूशन रखा, हमें नहीं पता ठीक है। अब हमको इस सोल्यूशन के बारे में भविष्यवाणी करनी या इस सोल्यूशन के बारे में बोलना, इस सॉल्यूशन के बारे में ये किस टाइप का सॉल्यूशन होगा और किसके रिस्पेक्ट में? प्लांट सेल के रिस्पेक्ट में ठीक है। तो रिलेटिव कंसंट्रेशन बात कर रहे हैं ना कि प्लांट सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन के टर्म में बाहर के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम क्या करना चाह रहे हैं? रिलेट करना चाह रहे हैं। तो मैंने अभी बस भी बताया कि टोनिसिटी क्या है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव कंसंट्रेशन ठीक है। तो इसके बेस पे अगर अगर कंसंट्रेशन ऑफ
सॉल्यूशन है ये इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ, लिख देना, इफ इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, क्या लिखूंगा, सेल से, सेल से की तो बोलते हैं, सेल से आप बोले या वेक्यूलर से आप बोले, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा बच्चे, किस टाइप का सोल्यूशन हो जाएगा, आइसोटोप। अच्छा केमिस्ट्री में पढ़ते तो उसके अंदर कोई सोल्यूशन भर देता है, प्लांट सेल को हटा के कोई सोल्यूशन रख देता है, ठीक है, पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप वो वाला सिस्टम भी जनरेट कर सकते हो जो कहाँ पे पढ़े हो, ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस में पढ़े, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए बीच में, ठीक है। दूसरा, अगर अगर ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है इट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, सेल साइड, तो आप इस वाले सोल्यूशन को क्या बोलोगे, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन लेस देन है, हाइपोटोनिक, लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ सेल साइड, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ हाइपो हाइपर आइसोटोनिक तो वो। अच्छा यहाँ पे जो आपने प्लेस की है, क्या प्लेस की हुई है, प्लांट सेल, मैं कह रहा हूँ एक एनिमल सेल को आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर डाल, प्लांट सेल को डालोगे तो क्या होगा, फुल्ली टर्जेट हो जाएगी, किसकी वजह से ये हुआ है, सलवाल की, क्योंकि सलवाल उसको फटने नहीं दे रही, सलवाल ने क्या कर रखा है उसको रोक दिया, एक लिमिट पे जाके सलवाल ने क्या कर दिया उसको, एनिमल सेल के पास दिक्कत है कि उसके पास रोकने वाला कोई, एनिमल सेल आरबीसी उठा के जैसे ही रखोगे एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वो क्या कर जाएगा, फूल के फट जाएगा, ठीक है, तो ध्यान में रखना इस चीज को। तो आज के लिए बस इतना। अच्छा एक बात बताओ, ये सैटरडे को 11:30 12 बजे के बाद आप क्या करते हो, तो क्लास है 12 बजे के बाद आप फ्री रहते हैं, हाँ बोले फ्री रहते हैं, मैं बताऊंगा, अगर ये क्लास कोई खाली होती है तो आप आके, पीछे सिलेबस खत्म नहीं होगा, बहुत पीछे सिलेबस चल रहा है, पता नहीं तुमको कितना अंदाजा है, मुझे अंदाजा, क्योंकि एक और तरीका है कि मैं ये बोलता जाऊँ कि कुछ टॉपिक तुम अपने मन से पढ़ते हो, पर ये सारे है नहीं एनसीईआरटी में, मुझे बताने पड़ रहे हैं, तो उसमें पता नहीं कितना पढ़ पाओगे कितना नहीं पढ़ पाओगे, आप देख लो अगर मैंने सोचा है, हाँ इस चीज़ की समस्या जरूर लग रही होगी कि क्लासेस शायद दोनों क्लास चलो आज के लिए बस इतना। थैंक यू सर।